सवादा सभी का। ब्रेक के बाद गोला प्रखंड में इन दिनों मक्के की अच्छी बिक्री हो रही है, तो वही यहां से गुजरने वाले यात्री इसका भरपूर आनंद भी ले रहे हैं। इस मौसम में पूरे राज्य में मक्के के खेत हरे भरे नजर आते हैं। ऐसा ही नजारा गोला प्रखंड का है। बता दें कि गोला प्रखंड कृषि बहुल क्षेत्र है जो तकनीकी खेती के लिए जाना जाता है, और इन दिनों यहां मक्के की बिक्री जोरों पर। रामगढ़ बोकारो मार्ग के गोला सोसो टोल प्लाजा के समीप मक्के खाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। यहां धनबाद, बोकारो, रांची और पश्चिम बंगाल से आने वाले यात्री रुककर मक्के का आनंद उठा रहे हैं। अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट मक्के रहता है। जैसा कि हम लोग खोजते हैं शहरों में मीठा, तो वो जब हम इधर से गुजरते हैं, ये गोला का एरिया है, तो अक्सर ही रुक करके यहाँ खाया करते हैं और मन नहीं भरता, लगता है बार बार फिर यही रुका जाए। मक्के बेच रहे किसानों का कहना है कि पहले वो घर पर बेरोजगार थे, लेकिन अब मक्के बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वही अपना मक्के बेचते हैं, रोजी रोजगार चलता है। जो आता है गाड़ी वाला धनबाद बोकारो से लेता है, आता है, अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, 8 रुपया होता है। इस रास्ते पर जाने वाले यात्री ताजे मक्के का स्वाद तो ले ही रहे हैं, तो वहीं किसान इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए गोला से मिथिलेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।